हेलो गाइस, मैं नमिश शाहरुख। माय नेम इज खुशबू। स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि हमारी दो दिन तक वीडियो क्यों नहीं आई। जिस हिसाब की सिचुएशन चल रही है अभी कंट्री के अंदर और जिस हिसाब से लॉकडाउन चला है, तो हम भी प्रॉपर एक फॉलोअप कर रहे थे कोविड नॉर्म्स का, बट फिर हमने सोचा कि नहीं, एज अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया हमें हमारा ये फ़र्ज बनता है कि लोगों के पास हमें न्यूज़ पहुँचानी चाहिए। ठीक है, सिचुएशन कैसी भी हो इंडिया के अंदर, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। So again, welcome back with another episode of Top Trending News from Team APN Internet. तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की अच्छी खबर के साथ। खुशबू, फाइजर एक जो वैक्सीन है उसने ये ऐलान कर दिया है कि वो इंडिया आने वाली है। मतलब ये इंटरनेशनल वैक्सीन है। इंटरनेशनल वैक्सीन है, वो इंडिया आने वाली है और ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही लोगों को मिल पाएगी। तो सही है, बहुत सारी वैक्सीन इंडिया आ रही है और गवर्नमेंट ये चाहती भी है कि जितनी जल्दी जितनी ज़्यादा वैक्सीन आए और हमारे लोगों को वैक्सीन लगे ताकि निजात मिले हमें इस कोरोना वायरस से। तो शाहरुख भाई, जिस तरीके से कोरोना स्पीड में दौड़ रहा है, लगता है फर्स्ट आके ही मानेगा। बिल्कुल, मुझे लगता नहीं, खैर फर्स्ट आके मानेगा, क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट स्टेप ले रही है और जिस हिसाब से स्ट्रिक्टनेस से चीज़ें हो रही हैं, मुझे लगता है ये फर्स्ट आएगा पक्का, इसे हम मात देख ही रहेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने अपने स्टेट में 14 डेज का लॉकडाउन कर दिया है। वहाँ पे उन्होंने इसे कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया है। हालांकि ये लॉकडाउन से कम नहीं है, क्योंकि एसेंशियल सर्विस ही सिर्फ खुली रहेंगी, बाकी सारी चीज़ें बंद रहेंगी। चलिए, तो अच्छी बात है कि इतने अच्छे अच्छे नॉर्म्स बन रहे हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये बोला है कि जितनी भी बिजनेसेस बॉडी हैं उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा दोबारा काम में आने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है अभी कंट्री के अंदर, बाकी स्टेप लेने के बाद वो बताएंगे कि क्या करना है ऐसे स्टेप लेके। तो शाहरुख, जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने बोला है कि कंपनीज़ को वापस उस ग्राफ को टच करने के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंट्री में कोविड सिचुएशन बहुत बुरी तरह चल रही है, तो सवाल तो ये भी उठता है ना कि आखिर अचानक कोरोना कंट्री में इतना ज़्यादा हावी कैसे हो गया, लोगों की डेथ अचानक से इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ने लगी है, अचानक से कोरोना का सेकेंड वेव कैसे कंट्री में घूमने लगा है। तो इसको लेकर आज मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है कि कोरोना की दूसरी लहर के पीछे इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरीके से कंट्री में इलेक्शन चल रहे थे, जो कोरोना प्रोटोकॉल थे, इलेक्शन कमीशन ने उसे बिल्कुल फॉलो नहीं करवाया। और जो दूसरी सबसे अहम बात हाईकोर्ट ने बोली है, वो उन्होंने कहा है कि कोरोना की वजह से जितने लोगों की भी डेथ हो रही है, वो डेथ नहीं मर्डर है, और इसका चार्जेस इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स के ऊपर पूरी तरह लगना चाहिए। बड़ा स्टेटमेंट है बोलने को, लेकिन जो बात है वो बात है। तो बात कर लेते हैं बिजनेसेस की। बिजनेस सेक्टर में ये बोला गया है कि उन्होंने अपील करी है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो उनका CSR कटता है, वो CSR कटने में उनको वैक्सीनेशन इंक्लूड किया जाए, मतलब जो CSR उनका होता है उसी के अंदर उनको वैक्सीनेशन दिया जाए। मैं बता देता हूँ CSR क्या होता है। CSR एक बिजनेसेस जो होते हैं उनका एक छोटा अमाउंट होता है, उनके रेवेन्यू का छोटा अमाउंट होता है, जो कि कंट्री के वेलफेयर के लिए यूज़ करा जाता है। तो लोगों ने बोला है कि यार जितनी भी ये हमारा CSR कटता है, तो वैक्सीनेशन जो है हमें इसी के अंदर प्रोवाइड करा दिया जाए तो बहुत बड़ी आपकी मेहरबानी हो जाएगी। तो भाई, एज वी नो दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम वेरी बैड सिचुएशन। बिल्कुल, ऑब्वियसली। लेकिन इस सिचुएशन में हमारी हेल्प करने के लिए गूगल आगे आ गया है। गूगल ने इंडिया को 135 करोड़ देने का ऐलान किया है। आज गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा है कि इंडिया को कोरोना से लड़ने के लिए हम 135 करोड़ अपनी तरफ से देंगे। चलिए, देख के अच्छा लगता है कि कितने लोग हैं जो इंडिया की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। वैसे गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई, वो इंडिया से ही हैं, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो आगे आ रहे हैं इंडिया की मदद करने में इस बैड सिचुएशन में। तो चलिए बात कर लेते हैं ओला की। ओला ने डिसाइड करा है कि आने वाले टाइम में वो टू व्हीलर सेक्टर में बहुत बड़ा एक चार्जिंग प्लांट लगाएंगे इंडिया के अंदर। आई थिंक ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर ये चार्जिंग पॉइंट लगता है तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर आ जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर ओला थोड़ा सा सोचेगा और समझेगा तो 4-व्हीलर्स के लिए भी चार्जिंग पॉइंट लगा सकता है। अगर ये चीज़ें लगती हैं तो EV सेक्टर जो है इंडिया का, वो टॉप लेवल में पहुँच सकता है गाइस। तो सबसे अच्छी बात है कि अगर वो चार्जिंग पॉइंट कहीं लगाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। तो व्हीकल की बात हुई है तो शाहरुख, यहाँ पे मैं टेस्ला की बात कर लेती हूँ। टेस्ला अपना सबसे पहला शोरूम और ग्रैंड शोरूम मुंबई के वर्ली बिजनेस इलाके में खोलने वाला है।
हालांकि उन्होंने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया कि कब तक वो इस शोरूम का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन वो सबसे पहले शोरूम मुंबई में ही खोलेंगे। चलिए, अच्छी न्यूज़ है, सुन के अच्छा लगता है कि टेस्ला भी इंडिया में जल्दी आने वाली है। आने वाली है। तो रिलायंस की बात कर लेते हैं कि रिलायंस इंडिया ने ये स्टेप लिया है कि वो कुछ स्टेट्स में 700 टन मेडिकल ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि बिल्कुल जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हम गाली देते हैं कि यार ये कुछ नहीं करती इंडिया के लिए या फिर कुछ नहीं करती, लेकिन इस टाइम पे पता लगता है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कितना कुछ इन्वेस्ट करती हैं इंडिया के अंदर इस बैड टाइम सिचुएशन में। तो सही बात है शाहरुख, जिस तरीके से जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रहा है, कोरोना के टाइम में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, हर दिन लोगों की मोर देन 2000 डेथ हो रही है। बिल्कुल तो इस सिचुएशन में जाहिर सी बात है हमारे फेस पे स्माइल तो नहीं आएगा, बहुत डिफिकल्ट है हंसना, तो हमें हंसाने की कोशिश और फेस पर स्माइल लाने की कोशिश यूएई ने की है। यूएई ने इंडिया वर्ल्ड के टॉलेस्ट बिल्डिंग पे लिखा है हैशटैग स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया, जिसे देखने के बाद सच में बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई और हमें पता चला कि हम इस फाइट में अकेले नहीं हैं, अदर कंट्रीज भी हमारे साथ हैं। देख के अच्छा लगता है कि वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग पे इंडिया का नाम ऐसे टाइम पे आना जब इंडिया इस सिचुएशन से जूझ रहा हो, अच्छा लगता है, प्राउड लगता है। और ज्यादा ज्यादा गाइज मैं इतना बोलना चाहूंगा कि अपने फेस से मास्क बिल्कुल ना हटने दें, क्योंकि दिस इज द ओनली ऑप्शन वी हैव टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोना वायरस। और अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर ख्याल रखें। अगर आपके बारे में अगर आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ है रिलेटेड टू कोरोना वायरस, या फिर आप क्या समझते हैं लॉकडाउन से कोरोना खत्म होगा या नहीं होगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए, इस सेगमेंट का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। इफ़ यू हैव एनी पीआर रिलेटेड क्वेरीज प्लीज़ फील फ्री टू राइट अस sales@apllive.com। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।